हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एनिमल साइंस से रिलेटेड हर वो चीज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्स जैसे कि एफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, या फिर नाबार्ड का एग्जाम, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जिसमें कि एनिमल साइंस या फिर एग्रीकल्चर के टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इस नाम से यूट्यूब का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज इसी नाम से है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, इसको लाइक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसे फेसबुक पर शेयर करते हैं तो आप तक जल्द से जल्द वो वीडियो पहुंच जाए और कोई भी टॉपिक छूटे ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें एग्रीकल्चर के, और उम्मीद है कि नाबार्ड के एग्जाम से पहले तो बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, एफओ से पहले तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8237783981। अगर कोई छोटी क्वेरी हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐड होने के लिए आप कॉल मत करिएगा प्लीज़, ऐड होने के लिए बस आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हमारा यूट्यूब का चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो देखते हैं क्या 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 चीजें हैं इस एनिमल साइंस टॉपिक में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन टर्म्स हैं लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में, जिसमें से कि कुछ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। कैटल, जैसे कि गाय भैंस, कैटल के केस में सबसे पहले जो मेल कैटल होता है, एडल्ट मेल कैटल, उसे कहते हैं बुल, और जो फीमेल कैटल होती है मतलब गाय को कहते हैं काउ, और बुल काफ जो यंग मेल है मतलब जो बछड़ा है उसे कहते हैं बुल काफ, और जो फीमेल यंग फीमेल है कैटल में उसे कहते हैं हीफर काफ, और जो न्यू बॉर्न है, जो जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, जिस गाय का या मतलब बैल का अभी अभी जन्म हुआ है, तो उसे कहते हैं काफ। फिर इनके ग्रुप को जिसमें कि बहुत सारे गाय बैल हैं, बछड़ा है, तो उसे कहेंगे हर्ड। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे और बहुत सी चीजें आप नहीं जानते होंगे, सारे याद कर लेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर जो कैटल का मीट होता है, गाय बैल का मीट होता है, उसे कहते हैं बीफ, और जो व्हील होता है, व्हील किसको कहते हैं, वो जो बछड़ा होता है मतलब जो गाय का बच्चा होता है, यंग कैटल मेल हो या फीमेल, उसे कहते हैं व्हील, मतलब बछड़े के मीट को व्हील कहा जाता है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा चलता है, इंडिया में नहीं। उसके बाद जो कैस्ट्रेटेड मेल है उसे बुलॉक या फिर स्टीयर कहा जाता है, और सर्विंग क्या होता है, सर्विंग होता है मेटिंग प्रोसेस जो कि रिप्रोडक्शन को प्रोसेस के लिए मेटिंग होता है, तो उसे सर्विंग कहते हैं। देखिए सर्विंग बहुत ही कॉमन टर्म है, ये कैटल में भी इसे सर्विंग ही कहा जाता है, और फिर बुफेलो में भी जो मेटिंग प्रोसेस होता है उसे भी सर्विंग कहते हैं, और फिर गॉट में भी जो प्रोसेस होता है उसे सर्विंग कहते हैं, पोल्ट्री में भी सर्विंग कहते हैं, और किस में नहीं कहते हैं, पिग में जो मेटिंग प्रोसेस होता है उसे कपलिंग कहते हैं, और शिप में मेटिंग प्रोसेस को टपिंग कहते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे आप। उसके बाद जब जो जन्म देने का प्रोसेस होता है पार्चुरेशन, उसे काल्विंग कहते हैं कैटल के केस में, और जो आवाज निकालते हैं साउंड प्रोडक्शन जो कैटल में होता है उसे बेलोइंग कहते हैं। बुफेलो के केस में सारी चीजें सेम रहेंगी, जो कैटल वाले टर्म्स थे वही रहेंगे सारे, बस उसमें आपको बुफेलो आगे लगाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडल्ट मेल कैटल के केस में बुल होता था, तो बुफेलो के केस में बुफेलो बुल हो जाएगा। तो इस तरह से सारे टर्म्स में बुफेलो लगा के आप उसको याद रख सकते हैं। बस एक चीज डिफरेंट है, जो कि बफिन, बुफेलो मीट को कहते हैं बफिन। उसी तरह से शिप है, गोट है, पिग है, पोल्ट्री है, तो सबके टर्म्स आप, एक टेबल दिया हुआ रहता है बुक में, नेमरा सुंदा की बुक है उसमें टेबल दिया हुआ है, उसको याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ, जैसे सिप के केस में जो इनका ग्रुप होता है उसे कहते हैं फ्लॉक, फिर
गोट के केस में जो एडल्ट मेल होता है उसे कहते हैं डो, और मीट को सेवॉन कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि गॉट मीट को सेवॉन कहते हैं, वो इसे मटन कहते हैं गॉट मीट को, लेकिन मटन एक्चुअली में जो होता है वो होता है शिप का मीट। उसके बाद पिग, पिग के मीट को पॉर्क कहते हैं, आपको पता होगा। और जो साल्टेड पिग मीट होता है, जब उसमें नमक डाल के बेचते हैं, उसे कहते हैं बेकॉन। पोल्ट्री के केस में उसके हर्ड को फ्लॉक कहते हैं, और उसके बाद जो मीट होता है उसको चिकन कहते हैं, पता होगा आपको। और जो कैस्ट्रेटेड पोल्ट्री होता है, मतलब कैस्ट्रेटेड मेल होता है, मुर्गे मुर्गे में मुर्गा जो कैस्ट्रेटेड होता है, उसे कहते हैं कैपॉन। तो ये पूरे टर्म्स आप याद कर लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, याद करने में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप लेक्चर देखने के बाद इसको याद करेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कैटल ब्रीड्स इन इंडिया। जो कैटल ब्रीड्स है, सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया में, फिर एग्जॉटिक ब्रीड्स। तो इंडिया में जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं उनमें क्लासिफाई करके, सबसे पहले तीन तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, डेयरी ब्रीड या मिल्क पर्पस, सेकेंड ड्रॉट ब्रीड, और थर्ड डुअल पर्पस। मिल्क पर्पस ऐसे ब्रीड्स जिनको कि सिर्फ दूध निकालने के लिए यूज किया जाता है। ड्रॉट पर्पस वो होते हैं जिनको कि खेत में यूज किया जाता है, दूध निकालने के लिए यूज नहीं किया जाता। और डुअल पर्पस वो होते हैं जिनको कि दूध निकालने के लिए भी यूज करते हैं, और उन ब्रीड्स के बैलों से खेत में भी काम करवाते हैं। तो डेयरी ब्रीड्स में इंपॉर्टेंट तीन तीन ब्रीड्स हैं, साहिवाल, गीर, और तीसरा है सिंधी, और या फिर रेड सिंधी। तो ये इसको याद करने के लिए आप कुछ ट्रिक बना लेंगे। जैसे मैं जब याद करता था, मुझे एग्जाम देना था, तो मैंने ऐसे याद रखा था, डेयरी ब्रीड साजिश, सा से साहिवाल, जी से गीर, और फिर एस, एस से सिंधी या रेड सिंधी। तो इस तरह से आप अपना कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर उसे याद रखेंगे, ताकि आप एग्जाम में ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है याद रखने में। सबसे पहले ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ये साहिवाल गाय है, देखिए कितनी प्यारी गाय है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो सारे गायों में, जो इंडियन गाय हैं उसमें हाईएस्ट है, और इसका दूध बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा मीठा होता है। और आप देख रहे होंगे इसका स्किन जो है ये थोड़ा लूज होता है, जिसके वजह से इसको लोला या फिर मुल्तानी भी कहा जाता है। जो इसका ओरिजिन है वो है मोंटगोमेरी पाकिस्तान, मतलब नेटिव प्लेस जो है वो मोंटगोमेरी पाकिस्तान, फोटो देखकर आप याद रखेंगे। सेकंड है गिर, जिसका कि नेटिव प्लेस है काठियावाड़ या गुजरात, सॉरी काठियावाड़ जो कि एक जगह है गुजरात में। इसके कान देखिए लंबे लंबे होते हैं, ये इसकी पहचान है, कान जो कि लंबे लंबे होते हैं, और जो फोर हेड है, आगे का जो सिर का अगला हिस्सा है वो देखिए थोड़ा लंबा और थोड़ा बोनी होता है। उसके बाद सिंधी या रेड सिंधी, लाल कलर की होती है इसलिए इसे रेड सिंधी कहते हैं। इसका इसका जो नेटिव प्लेस है वो है कराची पाकिस्तान। इसका कलर आप देख रहे हैं जैसे थोड़ा ब्राउनिश रेड है, रेड ब्राउन होता है, और जिसका फेसियल एक्सप्रेशन होता है उसे कहते हैं इंटेलिजेंट फेसियल एक्सप्रेशन है, मतलब थोड़ी इंटेलिजेंट टाइप से ये दिखती है। आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो सच में लगता है ये थोड़ी इंटेलिजेंट लग रही है। तो इंटेलिजेंट फेसियल एक्सप्रेशन होता है और रेड ब्राउन कलर की होती है। उसके बाद ड्रॉट पर्पस ब्रीड्स जो हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तीन हैं, मालवी, नागौरी और अमृतमहल। यहाँ जो दो पिक्चर आप देख रहे हैं, पहला मालवी का है जिसका कि नेटिव प्लेस मालवा है मध्य प्रदेश में, और जो सेकंड है, सेकंड पिक्चर जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये नागौरी का है। नागौरी इसका जो नेटिव प्लेस है ये नागौर और जोधपुर है। ये नागौरी जो है ये सबसे अच्छी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। इसका कलर वाइट होता है जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। उसके बाद तीसरी ड्रॉट पर्पस ब्रीड जो है ये है अमृत महल, और इसका नेटिव प्लेस है मैसूर, कर्नाटका। इसके बड़े बड़े
सींग होते हैं, लंबे सींग होते हैं, और ग्रे कलर का बॉडी होता है, थोड़ा ग्रेइश होता है, मतलब व्हाइट ना होकर थोड़ा सा ग्रे हो जाता है, और जो फेस है ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा नैरो होता है, पतला होता है और लंबा फेस है। एग्जाम में आपसे ये मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेंगे, उम्मीद कम है पूछने की कि फेस कैसा होता है या पहचानने के लिए उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन डुअल पर्पस है, कौन मिल्च पर्पस है, इसका नेटिव प्लेस क्या है, या फिर हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग या स्वीटेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको। उसके बाद डुअल पर्पस ब्रीड्स, जो कि मिल्क निकालने के लिए भी यूज करते हैं और जिन ब्रीड्स के बैलों को खेत में भी काम करवाते हैं। वैसे ब्रीड्स बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको पांच छह बताता हूँ। पहला है जो कि हरियाणा, ये हरियाणा के बारे में पूछा गया था 2016 के एग्जाम AFO में पूछा गया था कि हरियाणा कौन सा किस तरह का ब्रीड है, मतलब मिल्च पर्पस है, डुअल पर्पस है या फिर ड्रॉट पर्पस है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे सारे क्लासिफिकेशन, हरियाणा जो गाय है ये है डुअल पर्पस ब्रीड, इसका नेटिव प्लेस है हिसार या फिर रोहतक हरियाणा, ये सबसे बढ़िया डुअल पर्पस ब्रीड होता है। और आप फिगर में देख के बता सकते हैं, जो ऊपर वाला फिगर है ये हरियाणा ब्रीड का है, तो इसके जो सींग है ये छोटे होते हैं, ये इसकी पहचान है। उसके बाद सेकंड है जो डुअल पर्पस ब्रीड है ये है कंकरेज, और इसकी इसका नेटिव प्लेस है कच्छ गुजरात में, और ये कंकरेज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ब्रीड्स जो भी हैं इंडियन काउज उनमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बॉडी वेट होता है वो होता है कंकरेज का, जो कि एक डुअल पर्पस ब्रीड है और ये स्वचाल के लिए फेमस होता है। उसके बाद तीसरा है राठी, जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हैं नीचे, ये राठी ब्रीड की है और इसका नेटिव प्लेस है अलवर राजस्थान में, बीकानेर में भी और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। उसके बाद जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये थरपरकर ब्रीड की है, इसका जो नेटिव प्लेस है ये है सिंध पाकिस्तान में, और इसे वाइट सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, ये दिखने में रेड सिंधी जैसी लगती है लेकिन इसका कलर वाइट है, इस वजह से इसे वाइट सिंधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ओंगोल है जो कि नेटिव प्लेस है जिसका गुंटूर में आंध्र प्रदेश में, और प्योर वाइट इन कलर होता है ये ओंगोल ब्रीड। उसके बाद मेवाटी जिसका कि नेटिव प्लेस है कोसी मथुरा, और ये अलवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है राजस्थान के। अब देखते हैं एग्जॉटिक कैटल ब्रीड्स। एग्जॉटिक कैटल ब्रीड्स में इंपॉर्टेंट है जर्सी, सबसे पहले जो आप ये ऊपर पिक्चर देख रहे हैं ये जर्सी काउ का है, इसका नेटिव प्लेस इंग्लैंड है, आपको ऑप्शन में अगर इंग्लैंड देगा तो इंग्लैंड मारना, वरना जो एग्जैक्टली ये इंग्लिश चैनल के आसपास इसका नेटिव प्लेस है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हाईएस्ट फैट परसेंट इन एग्जॉटिक ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स जो भी हैं उनके दूध में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फैट परसेंट इसके मिल्क में होता है, जर्सी काउ के मिल्क में होता है। उसके बाद होलस्टीन फ्रीजियन, इसका नेटिव होलैंड है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये एग्जॉटिक ब्रीड्स में सबसे हैवीएस्ट बॉडी वेट जो होता है वो होता है होल्स्टीन फ्रीजियन का, ये जो आप फिगर देख रहे हैं नीचे वाला ये है होल्स्टीन फ्रीजियन, और ये होल्स्टीन फ्रीजियन दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ है, मतलब इसका मिल्क प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 लीटर पर ईयर मिल्क प्रोड्यूस करती है ये काउ। फ्रीजवल ये क्रॉस ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का, देखिए ये नाम आपको पढ़ने आना चाहिए, जैसे पहले होल्स्टीन लिखा हुआ है तो ये हमेशा फीमेल होगी, मतलब होल्स्टीन काव और साहिवाल बैल का क्रॉस ब्रीड फ्रीजवल है, ये हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स में आता है इसका नाम, ये 14 लीटर्स पर डे मिल्क देती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ब्राउन स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड का नेटिव है। उसके बाद कुछ ब्रीड्स हैं जो कि NDRI करनाल, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में डेवलप किए गए हैं, तो दो इंपॉर्टेंट है करन फ्राइज जो कि थरपरकर और होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस है, थरपरकर काव और होल्स्टीन फ्रीजियन बैल।
उसके बाद करण स्विस है साहिबाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस। अब बुफेलोज भैंस के ब्रीड्स हैं, उनको देख लेते हैं। उनमें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मुर्रा, जो आप ये ऊपर फोटो देख रहे हैं ये मुर्रा भैंस का है, और उसके बाद नीचे जो फोटो आप देख रहे हैं ये भदावरी का है। मुर्रा का जो नेटिव प्लेस है ये पंजाब, दिल्ली और रोहतक के आसपास का है। ये मुर्रा आप देख रहे हैं ये जेट ब्लैक कलर होता है इसका, मुर्रा भैंस का। और मिल्क प्रोडक्शन में सबसे बढ़िया जो भैंस है वो यही मुर्रा होती है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। इसके दूध में 7% फैट होता है एवरेज। और इसका पहचान है देखिए, छोटी सी सींग होती है और वो भी मुड़ा हुआ होता है, कर्ल्ड होता है। उसके बाद भदावरी, इसका जो बॉडी कलर होता है वो थोड़ा कॉपर कलर्ड होता है, ये ब्लैक थोड़ा कॉपर जैसा है, तो ये कॉपर कलर्ड बॉडी होती है, इसकी पहचान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी कि ये हाईएस्ट फैट परसेंट इसमें होता है, 13% फैट होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो जो भी इंडियन ब्रीड्स हैं बुफेलो के, उनमें सबसे ज्यादा फैट होता है वो भदावरी में होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में ये पूछा गया था। भदावरी का नेटिव प्लेस है आगरा, यूपी। उसके बाद जाफराबादी, ये समझ लीजिए बस एक छोटा हाथी है, आप अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये हाथी जैसा बहुत बड़ा दिखता है, मतलब एज कंपेयर्ड टू जो दूसरे भैंस हैं बहुत बड़ा दिखता है। और इसका नेटिव प्लेस है काठियावाड़, और ये इसका जो फोरहेड है, जो माथे का जो अगला हिस्सा है देखिए, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और हॉर्न्स देखिए कितने बड़े होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हैवी होते हैं हॉर्न्स, इस वजह से इसे छोटा हाथी भी कहते हैं, मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। उसके बाद नीली रवि, ये जो ऊपर फोटो आप देख रहे हैं ये नीली रवि का है। उसके बाद जो नीचे फोटो देख रहे हैं ये मेहसाना ब्रीड का है। नीली रवि के आंख जो होते हैं वो उन्हें वाल आइज कहते हैं, वाइट होता है इस वजह से उन्हें वाल आइज भी कहते हैं। मेहसाना एक इंपॉर्टेंट ब्रीड है, और ये डेवलप किया गया मुर्रा और सूरती के क्रॉस से। सूरती सिकल से हॉर्न होता है इसमें। गोदावरी ब्रीड में जो गोदावरी का जो नेटिव प्लेस है वो है आंध्र प्रदेश। तोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट ब्रीड है जिसका नेटिव प्लेस है तमिलनाडु। अब शीप ब्रीड्स में देखते हैं, तो इन्हें चार रीजन्स में बांटकर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हिमालयन रीजन में जो मिलते हैं वो है गड्डी, रामपुर बुशियर और भाखरवाल। भाखरवाल इंपॉर्टेंट है। लोई जो कि एक फाइन क्वालिटी उल होता है, ये भाखरवाल से ही निकाला जाता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये भाखरवाल का ही है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन, लोही, बीकानेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरा और चोकला है। ये जो ऊपर फोटो आप देख रहे हैं ये लोही का है, बड़ी प्यारी शिप है, और जो उसके नीचे है ये बीकानेरी, जिसका दूसरा नाम पूगल भी है, ये फोटो है। लोही का साइज देखिए आप, ये सबसे बड़ा शिप है, लार्जेस्ट शिप है ये। बीकानेरी बेस्ट कार्पेटुल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 में। 2016 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे एनिमल साइंस से, तो जो बेस्ट कार्पेटुल होता है वो बीकानेरी से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद मारवाड़ी, जैसलमेरी, जैसलमेरी को डेजर्ट ब्रीड भी कहते हैं, मालपुरा, चोकला। चोकला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का उल मिलता है कि इसे हम राजस्थान का मेरिनो ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। मेरिनो एक एग्जॉटिक ब्रीड है, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मेरिनो ऑफ राजस्थान इसको कहा जाता है, चोकला को। साउदर्न रीजन्स में जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं वो है डेक्कनी, नेल्लोर, मांड्या। डेक्कनी जिसका कि मीट मटन पर्पस के लिए खाया जाता है, और जो कंबल बनाने के लिए जो उल होता है वो उसके लिए ये डेक्कनी ब्रीड काफी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये नेल्लोर ब्रीड है, ये सबसे लंबी शिप होती है, टॉलेस्ट ब्रीड अमंग द शिप्स। मांड्या व्हाइट कलर की होती है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके। और ईस्टर्न रीजन में दो इंपॉर्टेंट है, सहाबदी और हिसारडेल। हिसारडेल ये क्रॉस होता है बीकानेरी और मरीनो का, और शहाबदी जो होता है वो बेस्ट उल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है इंडिया में, मतलब सबसे बढ़िया
वूल प्रोड्यूस करने वाली ब्रीड जो शिप में है वो है शाहाबादी, शाहाबादी भेड़। अब एग्जॉटिक ब्रीड्स देखिए, मेरिनो आप देख सकते हैं कितना उल इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक फाइन उल ब्रीड है मरीनो, और ये इसका जो नेटिव प्लेस है ये स्पेन है। और दुनिया में 80% उल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो मरीनो या फिर इसके क्रॉस से आता है। उसके बाद सेकंड है रामवेल्ट, इसका भी नेटिव प्लेस स्पेन है, और ये एक डुअल पर्पज ब्रीड होता है। इसका मीट भी निकालते हैं, और मतलब मीट पर्पज के लिए भी करते हैं और फिर उल निकालने के लिए तो करते ही है। अब कुछ डिजीज जो कि शिप्स में होते हैं, तो एंथ्रैक्स है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वो कौन सा डिजीज है जो कि कंटेजियस टू मैन होता है, मतलब जो शिप का एक डिजीज है और विच इज ऑल्सो कंटेजियस टू मैन, तो आपको बताना है, उसमें आंसर करना है एंथ्रेक्स। उसके बाद स्टिफ लैम्प डिजीज जो कि विटामिन ई की कमी से होती है। उसके बाद फिर आते हैं गॉट पे, तो जो गोट है इंडियन ब्रीड्स में जमुनापरी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बारबरी। जमुनापरी, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये जमुनापरी का है। ये पिक्चर में देखिए इसके जो पिछले पैर के पास आसपास देखिए कितने हेयर है, तो ये इसकी पहचान है। और उसके बाद रोमन नोज और जो कान बड़े बड़े होते हैं ये इसके पहचान है। पैरोट माउथ अपियरेंस सच में परी जैसी दिख रही है, वाइट वाइट। उसके बाद बारबरी, इसका नेटिव प्लेस सोमाली है अफ्रीका में। ये बारबरी डेयरी पर्पस होती है, दूध निकालने के काम आती है। और ये इसकी एक खासियत होती है कि ये दो किड्स को, जुड़वा बच्चों को एक बार में जन्म देती है बारबरी। उसके बाद बैतूल, बैतूल जमुनापरी जैसी दिखती है और ये एक डेयरी टाइप ब्रीड होती है। और इसकी पहचान होती है कि मेल जो ब्रीड्स होते हैं, बैतूल ब्रीड्स जो मेल होते हैं उनमें बियर्ड होता है, दाढ़ी होती है। उसके बाद ब्लैक बंगाल, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक बंगाल का है। कहते हैं इसका मीट सबसे ज्यादा टेस्टी होता है और स्किन कलर बहुत ही काला है, इस वजह से ब्लैक बंगाल कहते हैं। उसी तरह से मारवाड़ी है, सिरोही है। मारवाड़ी मीट पर्पस के लिए होता है, सिरोही डुअल पर्पस होता है, और झाखराना डेयरी ब्रीड है। हमारा पार्ट 1 वीडियो एनिमल साइंस के ऊपर, जिसमें हमने देखा काउ ब्रीड्स, बुफेलो ब्रीड्स, शिप ब्रीड्स और गॉट के जो इंडियन ब्रीड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गॉट के जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं इंपॉर्टेंट उनको, और फिर पोल्ट्री के बारे में, साथ ही साथ कुछ डिजीजेस के बारे में, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, वो सारी चीजें हम पार्ट 2 में देखेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी पार्ट 2 में देखेंगे। तो हमारा यूट्यूब का चैनल जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला यूट्यूब चैनल है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए बनाया गया है, एग्रीकल्चर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। एग्जाम्स जैसे कि AFO, GRF, NABARD या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। YouTube के हमारे सब्सक्राइबर्स 5,000 से ऊपर हो चुके हैं, Facebook पर 1,600 से ऊपर लाइक्स हो चुके हैं Facebook के पेज पर। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।